कोकोस व्लॉग, इट्स मी कोको। तो मुझे ये बोलते हुए बड़ी अजीब लग रही है क्योंकि मैं बहुत महीनों बाद फिर से कोई ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब लास्ट ब्लॉग बैंगलोर से डाला था तब मैं शायद हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में थी। अब मैं हूँ किचन डिपार्टमेंट में, मतलब मेरा हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस और क्या बोलते उसको F&B कंप्लीट हो गया है, एंड किचन भी ख़त्म होने वाला है क्योंकि आज है 24th, मतलब और 6 दिन ही बाकी है, 24th ऑफ सेप्टेम्बर और 6 दिन ही बाकी है ये मंथ ख़त्म होने में। तो मतलब मेरा किचन भी ख़त्म होने वाला है एंड मैं इतने महीनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कहाँ गई, यूट्यूब छोड़ दी होगी, यूट्यूब हो गया इसे ख़त्म। बट सिचुएशन कुछ ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा मेरा हेक्टिक स्केड्यूल चलता है इधर, मतलब सुबह उठना, उठ के काम पे जाना, काम से थके हारे हुए घर आना, घर आके थोड़ा इधर उधर करके सो जाना, इसके बीच में आपको क्या ही ब्लॉग शेयर करूँ। एक आध दिन छुट्टी मिलते हैं तो वो भी दिन सोने में ही बीत जाता है, तो कहीं ऐसा कुछ खास जाती भी नहीं हूँ, तो मतलब क्या दिखाओ, थोड़ा बहुत जो जाती हूँ वो जगह मैं पहले खुद एक्सप्लोर करती हूँ कि क्या है क्या नहीं है, फिर मैं आपसे शेयर करना पसंद करती हूँ। तो जो जगह के बारे में मुझे खुद ही पता नहीं है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, तो क्या ही मैं आपको दिखाऊंगी मुझे जो ढंग से पता ही नहीं है। तो सॉरी, बीच में मेरा कॉल आ गया था जोमेटो से खाने का, तो जो भी हो, तो मैं जहाँ पे थी कि हाँ मैं ऐसे रैंडमली कोई भी वीडियो फ़ोन उठा के वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं कर पाती, मेरे से नहीं होता है, मुझे पहले वो जगह के बारे में अच्छे से जानना होता है ताकि मुझे ये लगे कि मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए यूज़फुल हो, नॉलेजेबल रहे, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे, ताकि क्योंकि मैं खुद का वीडियो खुद भी बहुत बार देखती हूँ, तो मुझे अगर खुद का वीडियो मैं इतना नॉनसेंस कोई भी वीडियो बना दूंगी तो मुझे खुद भी लगेगा कि यार ये क्या है, बोरिंग लग रहा है, हटाओ। तो मुझे अगर खुद का वीडियो बोरिंग लगेगा तो आपको तो बोरिंग लगेगा ही, तो बात यही है। तो मैं भी एक दो जगह और मैं जाके घूम के आई हूँ, तो मुझे वो जगह काफ़ी अच्छा लगा। एंड घर जाने से पहले मैंने, मेरा प्लान भी है कि उस जगह में जाना है वापस, कुछ चीज़ें घर में, मतलब सबके लिए कुछ चीज़ें खरीदना है, अपने लिए खरीदना है, तो वो चीज़ मैंने प्लान करके रखा है और वो मैं अक्टूबर में करूँगी, क्योंकि अक्टूबर मेरा लास्ट मंथ है, नवंबर को मैं वापस जा रही हूँ। तो या दैट्स द प्लान, एंड प्लान के हिसाब से मैंने सोचा भी है कि इस बार मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस बार मुझे वो सारे जगह के बारे में पता चल गया है। सो या, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड होपफुली मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊंगी, क्योंकि मैं जब भी सोचती हूँ, एक प्लान बनाती हूँ और जब भी उस प्लान के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ बहुत ख़राब हो जाता है मेरे साथ और पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सो होपफुली इस बार ना हो, घर जाने से पहले मैंने जो भी चीज़ें प्लान करके रखा है वो सब हो, एंड ताकि मैं आपसे शेयर भी करूँ। सो या, दैट्स द न्यू टिल द डेट, ओके, जो भी हो। तो अभी क्या है सिचुएशन, अभी मेरा 3 दिन का सिक लीव है, क्योंकि मेरे चेस्ट के पीछे वाला जो साइड है वहाँ पे मुझे चोट लगा है, तो इसलिए मैं अभी सिक लीव पे हूँ। तो कैसे छोटा लगा वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। कि किचन के अंदर वॉकिंग रहता है, वॉकिंग मतलब है जो बड़ा वाला फ्रिज रहता है किचन के अंदर, किचन में फ्रिज नहीं रहता है, किचन में वॉकिंग रहता है होटल में। सो इंसान मतलब फ्रिज के अंदर घुस के काम कर सकता है, चीज़ें रख सकता है, सब कुछ ऐसा है। तो हम लोग का क्या है ना, वॉकिंग का डोर जो होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, तो क्या है, और इतना हार्ड रहता है कि मुझे वो डोर खुलने में, धक्का मारने में बहुत स्ट्रगल लगता है। सो क्या हुआ उस दिन कि मैं कुछ चीज़ें मतलब वॉकिंग के अंदर रखने गई, तो मैंने रखा, डोर ओपन किया और मैं डोर क्लोज होने से पहले वो रख के जल्दी जल्दी मैं बाहर आने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने जैसे रखा चीज़, और वो जो फुट पैन था मेरे पास वो भी काफ़ी हैवी था, तो एक मुझे बैक में एक क्या बोलूँ, एक स्ट्रेन टाइप फील हो रहा था कि लग रहा है, बट मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं जल्दी से उसको झुक के रख के ऐसे जैसे ऊपर हुई ना, तो ये मेरे चेस्ट के पीछे वाला साइड में वो वॉकिंग का डोर खुद ही बंद हो गया और जो हैंडल रहता है वो आके लग गया, तो वो थोड़ा सा लगा, तो मुझे तब कुछ फील नहीं हुआ ऐसा। तो मैं अपना काम पूरा कंप्लीट करके घर आई, नेक्स्ट दिन मैं सुबह शिफ्ट के लिए उठी, तो मैं उठ ही नहीं पा रही, इतना दर्द हो रहा है पूरा पीठ, मतलब कल का बात है ये, कल मैं उठ ही नहीं पाई, तो मैं सोचा ये क्या हो गया। सो देन मैंने थोड़ा रेस्ट लिया पूरा दिन, बट पूरा दिन इतना दर्द किया कि मैं शाम को डॉक्टर दिखाने गई, डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि वो तब आपको महसूस नहीं हुआ है चोट, बट वो चोट लगा है थोड़ा ज़्यादा, तो इसलिए मुझे अभी डॉक्टर ने 3 दिन का रेस्ट लिख दिया है, बोला है थोड़ा हैवी लिफ्टिंग वाला काम ना करना, और किचन में तो बहुत काम रहता है, तो इसलिए मैंने खुद को बोला कि नहीं 3 दिन का छुट्टी ले लेती हूँ,
अदरवाइज मैं पूरा इतने चार डिपार्टमेंट में किचन में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट थी अपने काम को लेकर। एक दिन भी मैं झटका वटका नहीं मारती थी। सो अभी ऐसा सिचुएशन है तो अभी 3 दिन का ऑफ है मेरे पास, तो ये 3 दिन का ऑफ मैं यूटिलाइज करना चाहती हूँ। तो सोचा घर बैठे बैठे जितना हो सके आपसे शेयर करती रहूँगी। तो आज मैं एक ऐसे ही नॉर्मल सा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सुबह से आपने देखा मैं सुबह उठा, पानी पिया, फ्रेश होने गई, मैं आके थोड़ा बिस्तर बनाया, घर में झाड़ू लगा दिया अच्छे से पूरा। वो मैं शूट नहीं की क्योंकि मेरा घर इतना छोटा है कि झाड़ू लगाते जाऊंगी या फ़ोन कहाँ सेट करूंगी मुझे समझ में नहीं आता। तो मैंने लेकिन मैंने आई स्वेयर घर को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है। आज जो स्पाइडर वेब हो गए थे वो भी मैंने सब कुछ क्लीन किया है। एंड मेरा खाना भी अभी आ गया है तो मैं अभी खाना खाऊंगी। खाने में क्या है मैं आपसे शेयर करती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी मैंने रिसेंटली कुछ चीज़ें, मतलब कुछ महीनों में मैंने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से ख़रीदा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो वो भी मैं आपसे आज शेयर करूंगी। एंड या सो लेट्स गो। मैंने ऑर्डर किया है बीजिंग बाइट से। तो यहाँ से मैं यहाँ आने के बाद बहुत बार ऑर्डर कर चुकी हूँ क्योंकि यहाँ का जो खाना होता है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इनका चाइनीज़ क्विज़िन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड बहुत फ्रेश खाना रहता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड द थिंग इज़ दैट द मेन थिंग इज़ दैट खाना काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रहता है। सो दिस इज़ द फ्राइड राइस। क्वांटिटी काफ़ी अच्छा आया है एंड लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है एंड स्मेल वाइज तो और भी ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ मुझे मिला है ये एक चिली विनीगर और एक चिली सॉस टाइप मिला है। ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं थोड़ा ट्राई कर सकती हूँ क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगता है। सो या That's the lunch for me. इस समय फर्स्ट बाइट लेके आपको रिव्यू भी जल्दी से शेयर कर देती कि खाना कैसा है। As expected, बहुत ही अच्छा है। अब मैं ये पूरा मील अच्छे से एंजॉय करती हूँ फिर मैं आपसे मील के बाद मिलती हूँ। तो गाइस मैंने खाना खा लिया है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि खाना खाने के बाद मैं आपसे एक मी हॉल शेयर करूंगी कि बैंगलोर आने के बाद जहाँ से भी मैंने जितना भी चीज़ें खरीदा है आपसे शेयर करूंगी। तो वो सारी चीज़ें मैंने जो खरीदा है वो मैंने सारा चीज़ इकट्ठे कर लिया क्योंकि इधर उधर रखा था। तो सो लेट स्टार्ट एंड फर्स्ट थिंग इज दिस परफ्यूम फ्रॉम मिनी। सो ये परफ्यूम इतना प्यारा है, मतलब क्या बोलूँ। इसका पैकेजिंग तो मतलब इतना क्यूट पैकेजिंग है, देखिए ज़रा। ग्रीन कलर का है इसका परफ्यूम एंड द फ्रेग्रेंस इज ओ गॉड फ्लोरल वाला खुशबू। मतलब अगर आपको फ्रेश फ्लोरल वाला खुशबू अच्छा लगता है ना देन यू विल लव दिस वन। ये कुछ 360 रुपीस का है। नेक्स्ट थिंग इज दिस लिपस्टिक फ्रॉम जूडियो। मतलब मुझे ऐसा एक ब्राउनी न्यूट कलर का लिपस्टिक चाहिए था एंड मैंने यहाँ पे जूडियो का, यहाँ जो भी जूडियो का शॉप मतलब है वो क्या बोलते हैं उसको सेंटर टाइप्स, सो वहाँ पे इतने अच्छे कलेक्शन हैं। मतलब कोलकाता के जूडियो में मुझे इतने अच्छे कलेक्शन नहीं दिखे, जो बैंगलोर के जूडियो के कलेक्शंस है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे ये लाइक चॉकलेटी न्यूडिश टाइप एक शेड मिला एंड आई लव द शेड। लाइक लुक एट दिस, दिस इज़ सो गुड एंड ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है। या लिपस्टिक एंड ये समथिंग रुपीज़ 150 या 200 के आसपास है दिस लिक्विड लिपस्टिक। सो आई लव दिस एंड इसका शेड तो कॉफी ब्रेक कुछ है। सो या नेक्स्ट थिंग आई गॉट दिस ब्लू हेवन का सिल्क एंड स्टेन, दिस वन इन द शेड आई फॉरगॉट द शेड ब्रिक ब्यूटी। ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, इतना अच्छा टेंट है ना लिप के लिए। ये चिक्स पे भी यूज़ कर सकते हो बट मैं चिक्स पे यूज़ नहीं करती, ये मैं लिप्स पे यूज़ करती हूँ। इसका टेंट आप देख सकते हो, अगेन एक बहुत ही न्यूडिश ऑरेंजी टाइप इसका। ओके सो जो मेरे परोस वाले बच्चा है तो वो इतना ज़ोर से रो रही थी कि मुझे थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करना पड़ा, अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही उसके रोने की आवाज़ से। मैं ठीक से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, फंबल कर रही हूँ, सो इसलिए। सो या आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लिप दिस सिल्क एंड स्टेन। तो इसका प्राइस है कुछ रुपीज़ 250 और मैंने 250 में नहीं ख़रीदा, मैंने मिंत्रा से ये समथिंग 150 के आसपास ख़रीदा है। सो इट्स अ रियली गुड डील। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा टेंट है, लाइक लॉन्ग लास्टिंग है एंड काफ़ी लाइट वेटेड है। तो अगर आप ये डेली वेयर के लिए
बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप आस पड़ोस में भी जाना आप चाह रहे हो, अगर आपको थोड़ा सा कुछ लाइक एकदम पेल वाला फेस लेके नहीं जाना है, थोड़ा सा कुछ कलर चाहिए, तो आप ये टेंट अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ रियली गुड। और ये आप चिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट आई डोंट अप्लाई इट ऑन माई चिक, आई जस्ट अप्लाई इट ऑन माई लिप्स ओनली। एंड या दिस इज द थिंग। एंड नेक्स्ट इज दिस वन, मेबलिन का फ्रेश टेंट। आई वॉज लाइक वेन आई सॉ दिस ऑन यूट्यूब, दिस वॉज ऑन इंटरनेट एवरीवेयर, लाइक एवरीवेयर मैं जहाँ भी देख रही हूँ ये फ्रेश टेंट का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, कोई इसको यूज कर रहा है, कोई इसका रिव्यू दे रहा है। एंड आई वॉज लाइक आई हैव टू ट्राई दिस आउट, वट इज दिस, मतलब क्या है इसके अंदर जो सब इतने पागल हो जा रहा है। तो मैंने इसको परचेस किया था 300 रुपीज में, एंड मेरा इसमें शेड है 06। टू बी ऑनेस्ट दिस इज अ रियली गुड फॉर्मूला, लाइक इतना अच्छा टेंट है, एकदम टेंट जैसा काम करता है, हल्का मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के साथ, एकदम एक हल्का सा कवरेज देता है। बहुत ज़्यादा इसका कवरेज पे ऑफ ज़्यादा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं लगता कि आपने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया है, लाइक नो मेकअप मेकअप के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है ये। सो नेक्स्ट मैंने मिनीसो से ही ये वाला ब्रश खरीदा है, हेयर ब्रश। इसका ब्रिसल इतना सॉफ्ट है एंड इतना अच्छे से हेयर को ये ब्रश हो जाता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगे, मतलब लगाए ये क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में। नेक्स्ट है मेरे पास ये दो बैग्स, तो ये बैग्स के अंदर बैग्स है। एक मैंने मैक से खरीदा है, एक मैंने खरीदा है मिनीसो से। सो मिनीसो का जो है ये 3-4 दिन पहले ही मैंने खरीदा है। सो आई विल शो यू दिस फर्स्ट। ये बैग मुझे बहुत क्यूट लगा है एंड आई वाज लाइक मैं इसको कहीं ना कहीं मतलब एवरीडे यूज के लिए काफ़ी अच्छा है, लाइक मैं इधर जा रही हूँ या उधर जा रही हूँ, थोड़ा कैजुअल फिट्स के लिए यह काफ़ी अच्छा है। सो मुझे ये बहुत क्यूट लगा है। इसका प्राइस है 650 रुपीज़। एंड इसका जो लाइक चेन है काफ़ी यूनिक है, इसको ऐसे इसको पहले खोलना होता है, फिर ये ऐसे अनलॉक हो जाता है, देन यू कैन ओपन द चेन। लाइक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर वाला बैग है ये। एंड इसमें एक ही कंपार्टमेंट आपको मिलता है, एक ही कंपार्टमेंट के अंदर आपका फ़ोन आ जाएगा, चार्जर आ जाएगा, हेडफोन, थोड़ा बहुत मेकअप आ जाएगा, काफ़ी अच्छा स्पेस भी है, बहुत ज़्यादा एकदम छोटा वाला भी नहीं है। सो आई लाइक दिस वन। एंड 1650 के प्राइस में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा डील है। नेक्स्ट आई गॉट दिस बैग फ्रॉम मैक्स, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है एंड आई जस्ट लव दिस बैग। ये मरून कलर में है, कैमरा में अगेन ही काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रहा है, बट इट इज़ क्वाइट डार्क मरून एंड द क्वालिटी इज़ ओ माई गॉड। मुझे ऐसा ही क्वालिटी का बैग चाहिए था, थोड़ा सा कुशन फिनिश वाला क्वालिटी है इसका। गोल्ड का चेन भी है जो काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है एंड ये ऐसे इसका बटन वाला सिस्टम है एंड कोई चेन नहीं है इस बैग में। एंड एक ही कंपार्टमेंट आपको मिलता है बट काफ़ी अगेन अच्छा स्पेशियस है, फ़ोन चार्जर वगैरह तो आ ही जाएगा, छोटा मोटा मेकअप। एंड इसका ये स्लिंग है, एडजस्टेबल स्लिंग है, इसको स्लिंग बैग मतलब क्रॉस बॉडी बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो एंड शोल्डर बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। आई लव इट एज अ शोल्डर बैग। एंड मुझे इसका ये हाफ मून वाला जो शेप है मुझे काफ़ी पसंद आया, जस्ट लाइक लव दिस बैग। इसका प्राइस 1000 रुपीज़ है एंड मुझे ये थोड़ा सा सस्ते में मिला, 30% ऑफ चल रहा था तब शायद, सो मुझे 750 के आसपास कुछ मिला है ये बैग। सो गाइज दिस इज द हॉल टिल नाउ, और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाला है फ्यूचर में आई एम श्योर, क्योंकि मैं जाने से पहले और भी बहुत सारी चीज़ें परचेस करने वाली हूँ जो मैंने लिस्ट बना के रखा है। एंड इसको छोड़ के भी मैंने 2-3 कपड़े वगैरह भी खरीदा है, वो मैं बाद में किसी और ब्लॉग में शेयर कर दूँगी, अभी फ़िलहाल यही शेयर करती हूँ। एंड या मैं सोच रही हूँ वीडियो यहीं पे एंड कर दूँ, क्योंकि बाकी का जो टाइम है वो मैं थोड़ा रेस्ट करके ही बताना चाहती हूँ, बिकॉज थोड़ा और फिर से बैक पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मुझे अभी रेस्ट करना चाहिए ज़्यादा इधर उधर ना करके। अभी मैं खाना खा लिया तो मैं थोड़ी देर बाद नहाने जाऊँगी, फिर आके एक अच्छा सा रेस्ट लूँगी या नैप लूँगी, आफ्टरनून नैप। सो या वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, आज कोई और ऐसा सोचा भी नहीं कुछ करूँगी, सो अकेले भी हूँ, तो यही है आज के लिए। एंड होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो मैंने कैसा बनाया बोल रही हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा रैंडम वीडियोस बनेगा क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ कंटेंट दिमाग में आ ही नहीं रहा, मैं घर पे हूँ तो क्या ही कंटेंट आपको दिखा सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि जो मैंने कुछ चीज़ें खरीदा है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ अगर आपको पसंद आए तो। एंड या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।